हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे आखिर क्यों एक यूजर ने सामंथा के लुक्स पर इनसेंसिटिव कमेंट करते हुए कहा दैट शी लॉस्ट ऑल हर चार्म एंड ग्लो। इसके साथ ही हम बात करेंगे आखिर किस बीमारी का सामना कर रही है सामंथा। हाल ही में सामंथा रुद प्रभु अपनी फिल्म शाकुंतलम के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को अटेंड करने पहुंची थी, जहाँ सामंथा एक ब्यूटीफुल व्हाइट साड़ी में नजर आई। सामंथा को जहां अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में देखकर उनके फैंस ने उन्हें काफी अप्रिशिएट किया, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सामंथा के लुक को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए लिखा फीलिंग सैड फॉर सामंथा, शी लॉस्ट ऑल हर चार्म एंड ग्लो व्हेन एवरीवन थॉट शी केम आउट ऑफ डिवोर्स स्ट्रांगली एंड हर प्रोफेशनल लाइफ इज सीइंग हाइट्स, माय साइड हैज हिट हर बैडली मेकिंग हर वीक अगेन। इसके साथ इस डिसरिस्पेक्टफुल कॉमेंट का सामंथा ने करारा जवाब देते हुए लिखा आई प्रे You never have to go through months of treatment and medication like I did. And here's some love from me to add your glow. इसके साथ ही इस कमेंट का जिस तरह से सामंथा ने जवाब दिया, उसके बाद उनके फैंस भी उनके सपोर्ट में उतरे और उन्होंने उनके सपोर्ट में कई ट्वीट्स किए, जहां उनके एक फैन ने लिखा As someone who has autoimmune disease and went through heaps of experimental treatment, including steroid with all the effects of illness treatment that showed up visibly, these kind of Descending remark can feel brutal. I feel sorry for those that can't see. जिसके जवाब में सामंथा ने उस फैन के लिए लिखा In a world where you can be anything, be kind. You are beautiful. सामंथा के फैंस के साथ साथ वरुण ने भी अपने ट्वीट के जरिए उस क्रिटिक को जवाब दिया और लिखा You don't feel bad about anything. You just care about clickbait. Feel bad for your son. Also, glow is available in Instagram filters. Just meet Sam. Trust me, she was glowing. वरुण के इस रिप्लाई के बाद एक्ट्रेस परिणीता ने लिखा You are the best. इसके साथ ही सलमान खान ने भी एक्ट्रेस सामंथा के लिए लिखा More power to you. दरअसल एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसे मायोसाइटिस कहते हैं। सामंथा उससे पीड़ित है। सामंथा ने अक्टूबर 2022 में सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट के जरिए ये शेयर किया था कि उन्हें मायोसाइटिस है। उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर की थी और उसके कैप्शन में लिखा था कि यशोदा के ट्रेलर के लिए आपका रिस्पांस ओवरवेलमिंग था और ये प्यार और कनेक्शन ही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। यही मुझे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से डील करने की ताकत देता है। आगे उन्होंने लिखा कि कुछ महीने पहले मुझे मायोसाइटिस नाम की एक ऑटो इम्यून कंडीशन का पता चला। मैंने सोचा था कि मैं ठीक होने के बाद इसे सबके साथ शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल इसमें मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। मैं धीरे धीरे ये रियलाइज कर रही हूँ कि हमें हमेशा मजबूत मोर्चा बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीज है जिससे मैं अभी जूझ रही हूँ। डॉक्टर्स को भरोसा है कि मैं बहुत ही जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। फिजिकली और इमोशनली मेरे लिए कुछ अच्छे और कुछ बुरे दिन रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक दिन और नहीं संभाल सकती, लेकिन किसी तरह से वो पल भी बीत जाता है। मुझे लगता है कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैं ठीक होने के एक दिन और पास हूँ। दिस टू शैल पास। इसके बाद कई सेलिब्रिटीज और उनके फैंस ने उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए उन्हें विशेष शेयर की। सिंगर दर्शन रावल ने लिखा मोर पावर स्ट्रेंथ एंड ऑल पॉजिटिव एनर्जीज टू यू। और बशीर अतेला ने लिखा गेट वेल सून लव एंड स्ट्रेंथ टू यू। इसके साथ ही अखिल अक्की नैनी ने लिखा ऑल द लव एंड स्ट्रेंथ टू यू डियर सैम। इसके साथ ही उन्हें ऐसे कई सारे कमेंट्स आए जिसमें उन्हें बहुत सारा प्यार और स्ट्रेंथ सेलिब्रिटीज और उनके फैंस ने भेजी। अब बात करें मायोसाइटिस की, तो मायोसाइटिस एक रेयर कंडीशन है। ये बीमारी बहुत कम लोगों में देखने मिलती है, जो कि पेशेंट के मसल्स पर अटैक करती है, जिसमें पेशेंट काफी कमजोर फील करता है। उसके मसल्स में तेज और लगातार दर्द की प्रॉब्लम रहती है। वक्त के साथ साथ ये कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जाती है। इस डिजीज में पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ने से लेकर वजन उठाने तक में परेशानी होती है। इसके साथ ही उसे सांस लेने में भी समस्या होती है और कुछ ना करने के बाद भी थकान होने लगती है। मायोसाइटिस आपके हाथों और थाइस के आसपास के मसल्स को इफेक्ट करता है, और इसमें ऐसा भी होता है जब अगर मसल्स आपके ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो आप डे टू डे लाइफ के बेसिक कामों में भी आप थकान महसूस करने लगते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट इस सिचुएशन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कहा जाता है कि ये डिजीज ज्यादातर मेल्स की तुलना में फीमेल्स में देखा जाता है। इसके साथ ही मायोसाइटिस 5 तरह के होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसका मेडिकल साइंस के पास अब तक कोई भी सर्टिफाइड ट्रीटमेंट नहीं है। अब बात करें मायोसाइटिस कितना रेयर है, तो द इंडियन जर्नल ऑफ रेमेटोलॉजी में ये पब्लिश हुआ है कि मायोसाइटिस कंडीशन के केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन में से 4 से 22 है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट में मायोसाइटिस की,
तो यूनाइटेड स्टेट में मायोसाइटिस के हर साल लगभग 1600 से 3200 नए केसेस आते हैं और वहाँ पर 50,000 से 75,000 लोग मायोसाइटिस के साथ जी रहे हैं और सामंता ऐसी कंडीशन का सामना कर रही है। इसके साथ ही सामंता फिल्मों में काम कर रही है, साथ ही अपनी फिल्मों को भी प्रमोट कर रही है, पहले यशोदा और अब शाकुंतलम। इसके साथ ही वो डिफरेंट न्यूज चैनल्स को इंटरव्यूज तक देते नजर आती है। सामंता ने अपने एक इंटरव्यू में इमोशनल होते हुए कहा दैट आई एम नॉट डाइंग येट। अपनी बीमारी के बारे में बात करते हुए सामंता ने कहा As I said earlier in social media, there are some good days and there are some bad days. Some days getting up from bed is difficult. And on some days I want to fight. Slowly the days I want to fight are becoming more. It's been 3 months now. I want to clarify that I am not dying anytime soon. I saw many articles that I have a life-threatening condition. No, I don't. It's an autoimmune disease. I've always been a fighter and I will fight. और सामंता एक्चुअली अपनी सेहत की वजह से बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, लेकिन फिर भी वो उतनी मजबूती के साथ अपने सभी प्रोजेक्ट्स को कर रही है। जैसे कि उन्होंने कहा I always been a fighter and I will fight. लेकिन ऐसे सिचुएशन में किसी के लुक्स और हेल्थ को लेकर ऐसे कमेंट करना दैट शी लॉस्ट ऑल हर चार्म एंड ग्लो बहुत ही सैड है। लेकिन सामंता को बहुत से लोग हैं जो बहुत ही जेन्युइनली पसंद करते हैं बिकॉज सामंता इज रियली ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, ना केवल उनके फेस से बल्कि उनके हार्ट से। शी इज़ ब्यूटिफुल फ्रॉम हर हार्ट एंड फॉर दैट पीपल लव हर। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर आए दिन ट्रोल्स, बुली और हेट कॉमेंट्स देखने मिलते हैं। कुछ लोग बिना ये जाने के सामने वाला इंसान किस सिचुएशन में है या वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी कितनी बैटल्स लड़ रहा है, ये सब जाने बिना लोग ऐसे कॉमेंट्स करते हैं। सोशल मीडिया पर ओपिनियनेटिव होना, अपने ओपिनियन शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के लुक्स और हेल्थ पर ऐसे इनसेंसिटिव कॉमेंट करना गलत है। ऐसे ही कुछ साल पहले लियाना डिक्रूज पर भी उनके लुक्स और बॉडी को लेकर काफी कमेंट किए गए। इलियाना को बॉडी डिसऑर्डर है। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कैसे जब वो 12 साल की थी तब उनकी बॉडी को लेकर उनके आसपास के लोग उन्हें लो फील करवाते थे। उन्होंने कहा कि जब वो अपने टीनेज में थी तब उन्हें उनके लुक्स को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने 2012 में एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था I've always been victim of eve teasing, harassment and it's traumatic. इसके साथ ही इलियाना को सोशल मीडिया पर भी उनकी बॉडी, लुक्स और वेट को लेकर काफी नास्टी कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। इलियाना को एक यूजर ने उनके सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा Did you face any flag for having an awkward body? तो इलियाना ने इसका जवाब दिया Firstly, I don't have an awkward body type. Nobody does. Secondly, yes, I have been criticized for my body type, but I am trying to learn to love myself for who I am and not try to conform someone else's ideals. I don't know क्यों कुछ लोग किसी के looks और body को लेकर इतनी बुरी चीजें लिखते हैं, क्योंकि जब उन्हें उनके looks और body को लेकर कोई ये कहेगा that you are having awkward body या you lost all your glow and charm, तो शायद जो लोग social media पर दूसरों के लिए ऐसे comment करते हैं वो खुद के लिए भी ये नहीं सुन पाएंगे। तो आई डोंट नो क्यों ये लोग दूसरे लोगों के लिए ऐसे कमेंट करते हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से सरवाइव कर रहे होते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से फील पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड काइंडनेस, डोंट स्प्रेड हेट्रेड। तो इसी के साथ ये था पूरा वीडियो। आपके सामंता के लिए किए गए उस इनसेंसिटिव कमेंट को लेकर क्या ओपिनियन आए हैं, उस पर अपने व्यूज जरूर कमेंट में शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।